नमस्कार, वेलकम टू फूड स्पेसिस। अभी गणपति आ रहे हैं तो चारों तरफ बस पूजा का कैसे करना है, क्या करना है, ये सब फैला हुआ है। तो गणपति प्रसाद में से एक जो सर्वश्रेष्ठ मान जाता है वो प्रसाद है मोदक। मोदक तरह तरह की बनाया जाता है, तो आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर वाला मोदक और उसमें ड्राई फ्रूट टॉपिंग। तो चलिए रेसिपी शुरू। मैंने लिया है 1 कप मिल्क पाउडर, 1.5 कप दूध, 1/2 कप पाउडर शुगर, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, करीबन 2 टीस्पून घी, और ये है किशमिश और काजू नट। काजू नट्स को मैंने छोटा छोटा टुकड़ा करके लिया है। पहले एक पैन में ले लेंगे दूध, शुगर पाउडर और घी को। अब तक मैंने गैस ऑन नहीं किया है, अभी स्लो फ्लेम रखेंगे गैस को ऑन करके। जब दूध थोड़ा सा गर्म हो जाए तभी उसमें धीरे धीरे मिल्क पाउडर डाल के मिलाते जाएंगे, जैसे कि मिल्क पाउडर का गट्टा ना बने। धीरे धीरे सब मिल्क पाउडर डाल देंगे। सारी की सारी मिल्क पाउडर डाल दिया मैंने। अब इसको धीरे धीरे, मैंने फ्लेम को स्लो में रखा है, तो इसको धीरे धीरे मिलाते जाएंगे जब तक कि एकदम से मावा जैसा कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। ये थोड़ा टाइम लगता है, करीबन 1/2 घंटा के ऊपर शायद लग जाए। और इसको छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है ताकि नीचे से ये ना जले। लगातार खुरस खुरस के इसको चलाते रहना है। और इसके लिए थोड़ा मोटा वाला पैन हम यूज कर रहे हैं, पतला अगर होगा तो ये जलने का चांसेस रहता है। धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू किया है, इसको और 5 मिनट तक अभी कुक करना पड़ेगा। मावा अभी बनके तैयार हो चुका है, इसको हम ठंडा करेंगे करीबन 1/2 घंटा, रूम टेम्परेचर में आने तक इसको ठंडा करेंगे। अभी हमारा मावा रूम टेम्परेचर तक आ चुका है, इसको हम अच्छे से एकदम मसल मसल के गूंद लेंगे। तो 4-5 मिनट मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया। इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, अभी फिर एक बार इसको गूंद लेंगे। मेरे पास एक मोदक का मोल है, इसके अंदर थोड़ा सा घी लगा देते हैं ताकि आसानी से हमारा मोदक छूट जाए। अभी हाथ में थोड़ा सा घी लगा के छोटा छोटा गोला बना देंगे। मोदक की मोल के अंदर पीछे साइड में जो होल है उसमें से थोड़ा सा मावा डाल देंगे और उसको पकड़ के जोर से चारों तरफ ऐसे फैला देंगे अंदर मावा को, एकदम जैसे मोल की शेप तक चिपक के रहे। अभी उसके अंदर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हम डाल देंगे। स्टफिंग के लिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट में डाल रही हूँ जो चूरा किया था मैंने। इसमें हम घी का हाथ करते रहेंगे, नहीं तो चिपक जाता है मावा हाथ में। इसको पीछे की ओर से इसको कवर कर देंगे, एकदम दाब दाब के साइड से जो एक्स्ट्रा मावा है उसको निकाल देंगे हम। अभी हम फ्रंट साइड से इसको खुला करके देखेंगे। धीरे से निकाल देंगे और अभी देखिए हमारा मोदक बन के तैयार हो चुका है। इस तरीके से हम सारी की सारी मोदक को बना देंगे। तो अभी हमारा मिल्क पाउडर वाला मोदक बनके तैयार हो चुका है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। 1 कप मिल्क पाउडर से मेरा इतना सारा मोदक बनके तैयार हो गया है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और अपनी फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा।